गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, इसमें हम हमारे जो कंपोनेंट्स थे लाइक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, होल ब्लड, पैक्ड रेड सेल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो क्रायो प्रेसिपिटेट जो होता है इट इज़ अ सुपर नेटेन प्रेसिपिटेट ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड इट्स इज रीच इन फैक्टर 8 एंड फाइब्रिनोजन। मतलब जो अपना क्रायो प्रेसिपिटेट है एक प्रकार से सुपरनेटेंट प्रेसिपिटेट है, किसका? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का, और बहुत ज़्यादा रिच है इन अ फैक्टर 8। मतलब जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है हमारा, कोगुलेशन फैक्टर होता है, उसमें 8th वाला जो फैक्टर है उसके लिए बहुत रिच है, और ये इसमें फाइब्रिनोजन भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ स्टोर्ड एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड विथ अ 2 ईयर शेल्फ लाइफ। ठीक है, इसको हम -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 साल तक इसको स्टोर कर सकते हैं। इंडिकेटेड इन लो फाइब्रिनोजन स्टेट्स और इन केस ऑफ फैक्टर 8 डिफिशियंसी, मतलब हीमोफीलिया ए, वॉन विलब्रांड्स डिजीज एज अ सोर्स ऑफ फाइब्रिनोजन इन डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, ये लो फाइब्रिनोजन स्टेट्स के अंदर, और यदि फैक्टर 8 डिफिशियंसी मतलब हीमोफीलिया ए की डिफिशियंसी हो जाए या वॉन विलब्रांड्स डिजीज हो जाए, तो उसके अंदर ये इंडिकेट करते हैं फाइब्रिनोजन को एज अ इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। अब ये ब्रांड्स, जो वॉन विलब्रांड्स डिजीज है, ये कौन से डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। पुल्ड यूनिट कंटेनिंग 3 to 6 ग्राम फाइब्रिनोजन इन 200 to 500 ml राइजेज द फाइब्रिनोजन लेवल बाय अप्रॉक्स 1 ग्राम पर लीटर। पुल्ड यूनिट जो है इसकी, इसके अंदर 3 से 6 ग्राम फाइब्रिनोजन 200 से 500 ml में पाए जाते हैं, और उसका जो फाइब्रिनोजन का लेवल होता है वो अप्रॉक्स 1 ग्राम पर लीटर होता है। मस्ट बी इन्फ्यूज विद इन 6 आवर, इसको हमको 6 घंटे के अंदर अंदर इन्फ्यूज करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के बारे में। एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट है जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा ब्लड किसको दे सकता है। इधर है ए, इधर है बी, ऊपर है ओ, नीचे है ए बी। तो ओ वाला जो है वो ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, और ए बी को भी दे रहा है। बट ओ वाला ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, बट ए वाला केवल ए बी को दे रहा है, बी वाला केवल ए बी को दे रहा है। ठीक है, और ए बी किसी को भी नहीं देता, ए बी वाला ए बी को ही देता है, और ए बी से ही लेता है, ले सबसे सकता है पर दे केवल ए बी वाले को सकता है। अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। जो हमने ऊपर फ्लो चार्ट पढ़ा इसका हम डिटेलिंग देखते हैं यहाँ पे। ईच पर्सन हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप्स। ठीक है, हर पर्सन के पास में एक टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, ए होगा, ए बी होगा, बी होगा, और ओ होगा। ओ कैन बी गिवन टू एनी वन बट कैन ओनली रिसीव ओ। ठीक है, ओ वाला जो है वो दे सबको सकता है ब्लड, बट ले केवल ओ वाले से सकता है। ए बी कैन रिसीव एनी टाइप बट कैन ओनली बी गिवन ए बी। ये रिसीव सबसे कर सकता है, कौन? ए बी, बट दे केवल ए बी वाले को सकता है। ऑल्सो एवरी पर्सन ब्लड इज आइदर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। हमने देखा था कि जो ब्लड है हमारा, मतलब RH फैक्टर जो है, यदि हमारी RBCs की सरफेस पे मौजूद है तो वहाँ पे RH पॉजिटिव होगा, और यदि वो एबसेंट है तो वहाँ पे RH नेगेटिव होगा। द ब्लड यूज्ड इन ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी कंपैटिबल विद द पेशेंट ब्लड टाइप। जो हमारा ब्लड हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफ्यूज़न के लिए, वो कंपेटिबल होना चाहिए जिसको हम चढ़ा रहे हैं उसके ब्लड टाइप से। टाइप ओ ब्लड इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। जो ओ ब्लड होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। पीपल विथ टाइप ए बी ब्लड आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपियंट्स। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं, वो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, हम उसे यूनिवर्सल रिसिपियंट्स बोलते हैं। पीपल विच आर एच पॉजिटिव ब्लड कैन गेट आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव ब्लड। जिसके पास आर एच पॉजिटिव ब्लड होगा वो आर एच पॉजिटिव होंगे, और जिनके पास नेगेटिव होगा वो नेगेटिव होंगे। बट पीपल विथ आर एच नेगेटिव ब्लड शुड गेट ओनली आर एच नेगेटिव ब्लड। बट जिनके पास आर एच नेगेटिव हैं तो वो भी आर एच नेगेटिव होंगे।
टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तीन टाइप होते हैं। पहला है एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब समवन एल्स ब्लड, मतलब किसी और का ब्लड हम चढ़ाएं तो होगा एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खुद का ब्लड ही चढ़ाना, ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड चढ़ाना, इट्स कॉल्ड द एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा आज यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच।